आकाश ये मेरा घर है. मुझे इस दरवाजे के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, तुम्हें कैसे पता? I don't know, शिवानी, मैं तो ये खिड़कियों से आने की ट्राई कर रहा था लेकिन दोनों लॉक थी. उधर से घूम के आया तो मुझे ये दिखा. तुम कभी नहीं आई उस तरफ? My God. शिवानी, ये साइड तो मैं देखी नहीं. आकाश, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से जाना है. It's so scary. मैं अभी डैड को बोलूँगी और ये दरवाजा हम permanently बंद कर देंगे. Listen, चलो. Listen to me. वो सीढ़ियाँ देख रही हूँ वहाँ पे. तुम्हारे घर में ऐसी कोई जगह भी है? ये तो हमें figure out करना पड़ेगा कि चलो कम. No. मुझे ना बचपन से ऐसे लंबे कॉरिडोर से या अंधेरे से. बहुत डर लगता है. तुम्हें मेरी होने वाली बीवी डरपोक नहीं हो सकती है. आकाश, डरपोक की सही, पर मैं नहीं आऊंगी. तुम मेरा हाथ पकड़ो. नो. कम कम कम. यार शिवानी, तुमने बताया नहीं तुम्हारे घर में ऐसी लोकेशन भी है. हम अपनी फिल्म के कितने सारे सीन्स यहाँ पे शूट कर सकते थे. कम आजा. जरा आसपास देखो, यहाँ पर सिर्फ हॉरर मूवी की शूट हो सकती है. शरण्या, 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 I love you. शरण्या, अभी प्लीज कुछ मत करना. शरण्या सिर्फ और सिर्फ मेरी है. शरण्या के शिव. शरण्या, अभी शरण्या कौन है यार? मैं तो इस नाम की लड़की को जानता भी नहीं. वो क्या रहा है मुझे? गॉड क्रिश, कहीं तू पागल तो नहीं हो रहा? नो, नेवर. ये सब इस लड़की राधिका का चक्कर है. शिवानी इसकी बेस्ट फ्रेंड है, शायद वो कुछ जानती हो. I knew it. मैं चाहता था कि इस घर में कोई राज छुपा है. And I was right. अब मैं ढूंढ के रहूंगा कि वो राज है क्या जिसने मुझे इतना परेशान करके रखा है.
ये औरत मेरा बेटा वापस आ गया। अब तुम लोग देख लो, मैं सारे राज खोल दूंगी। शिव, तुझे पता है? स्वर्णा, स्वर्णा, क्या हुआ? क्या कह रही है तुम? ये बेदी कपल तो मुझे पहली नजर में ही ठीक नहीं लगा था। तो ये है वो जो उन्होंने छुपा के रखा है। अब वो नहीं बच सकते। आप घबराइए मत, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहां से बाहर निकालूंगा। ओके, के झूठ बोल रहा था। उसने सच में स्वर्णा को देखा है, लेकिन अब सबसे छुपा रहा है। और वो क्यों छुपाएगा? वो बार बार कह रहा था कि उसने स्वर्णा को देखा है, लेकिन जैसे ही मैंने घर छोड़ने की बात की, हमें ये घर इसी वक्त छोड़ देना चाहिए। अब चलो यहां से। अरे मैं मजाक कर रहा था, कोई बूढ़ी औरत नहीं थी वहां पे। क्या लगता है उसे? आई एम अ फूल, सब समझता हूँ मैं। वो झूठ बोल के इसी घर में रहना चाहता है ताकि वो हमारे सारे राज जान सके। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे क्या? अलर्ट रहेंगे, 24 घंटे अलर्ट रहेंगे। किसी भी तरह के किसे ये राज छुपाएंगे। थोड़ा सा पागल लगता है मुझे वो। We will have to be very very careful, माधवी। कहीं वो ना हो जाए जिसका हमें डर है, कहीं वो ना हो जाए जिसे रोकने की कोशिश हम सालों से कर रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम ये? Come on, Rad, कहा ना सॉरी। प्लीज रुको। I don't care. जी जाने। तो जाओ। दरवाजा खोलो। No. Hi sir, open the door. नहीं खोलूंगा। क्या करोगे? मैंने कहा दरवाजा खोलो। However, no. दरवाजा खोलो। ये लो, अब तो तुम्हारा बैग भी मेरे पास है। अब कैसे जाओगे? मेरा बैग दो। I said बैग दो मेरा। छोड़ो मेरा बैग। Oh my God, I'm so sorry. I didn't mean. तुम्हें लगी तो नहीं? राधिका, I'm sorry. Please don't go. देखो मेरी बात सुनो ना, मत जाओ प्लीज। शरण्या, मुझे छोड़ के मत जाओ।
क्या बोला तुमने? हाँ तो मैं ये कह रहा था कि मैं भी आपसे पूछना चाहता था अंकल कि आपका ये कहने का क्या मतलब है कि शिवानी और मेरी शादी के बारे में हमें दोबारा सोचना चाहिए। देखो जब से तुम्हारा ये फिल्म का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है कुछ ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट बंद हो जाना चाहिए। डैड अब शूट बंद कैसे हो सकता है? मेरे सपने का क्या? और आकाश की ये पहली फिल्म है, उसके करियर का क्या? इतने पैसे लगे हैं, उसका क्या? शिवानी ये सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हम ढूंढ निकालेंगे, लेकिन ये फिल्म बनना मेरी समझ के बाहर है। अब वैसे भी ये केके अब शूट करने की हालत में भी नहीं है। अधिकार मुझे लगता है कि इस सब का तुमसे कनेक्शन है एंड आई नीड योर हेल्प। कनेक्शन मुझसे? हाँ मुझे ऐसी फील होता है, शायद तुम्हें भी होता हो। तुमने अभी कहा ना कि वो नाम सुन के तुम्हें कुछ अजीब सा लगता है, जब से इस घर में आया हूँ मुझे वही फीलिंग आ रही है। फिल्म में तो इतनी अच्छी एक्टिंग कर नहीं पाते, अभी तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं। एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी। ट्रस्ट? आई कांट। मुझे पता है तुम्हारा मुझे रोकने का ये नया नाटक। सुनो प्लीज समझने की कोशिश करो, मुझे ऐसा लगता है ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा मेरा कोई कनेक्शन है। मुझे पता है तुमने वो नाम लिया था, तुम्हारे लिए सब मजाक होगा। मुझे रोकने की कोशिश लेकिन जिस एहसास की तुम बात कर रहे हो जिंदगी में तूफान ला के रखा है। ये सब सीरियस है, आई मीन पक्का वाला, जैसे मेरा और आकाश का है। सीरियस तो तब होगा ना जब वो रुकी, क्यों वो तो जाने की बात कर रही है। ये तो प्रॉब्लम है यार, अब ये आकाश भी दरवाजा नहीं खोल रहा, कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो। थैंक गॉड तुमने फोन उठा लिया, फोन नहीं उठाया तो पता नहीं मैं क्या करती। क्या हो रहा है अभी का? एनीथिंग अर्जेंट? मुझे जाना है। अगर तुम ये घर छोड़कर जाना चाहोगी तो जा नहीं पाओगी। यार लाइट को क्या हो गया? बड़ी जल्दी परेशान हो गई आप। थैंक यू इतनी रात को मुझे ड्रॉप करने के लिए। वॉच योर स्टेप, यू वांट मी टू हेल्प यू? नो नो इट्स ओके, आई विल मैनेज। ओके आराम से। नौटंकी, वैसे तो बड़ी मिन्नतें कर रहा था, मत जाओ, हमारा पुराना रिश्ता है ये वो। राधे तो मेरी बात सुनो ना, मत जाओ प्लीज। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा मेरा कोई कनेक्शन है। अब जा रही हूँ तो रोकने भी नहीं आ रहे, शक्ल भी नहीं दिखा रहा आपने। नौटंकी कहीं का कुछ कहा आपने? थैंक
कुछ भी नहीं। ओके, आई विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच। Akash was so good. तुमने कुछ बोला? वो यही है। I know it. तुमने कहा था तुम मजाक कर रहे हो। तुमने किसी को भी नहीं देखा है। फिर? वो मैंने झूठ बोला था क्योंकि मुझे लगा आप सब समझे कि मैं पागल हूँ। तो ऐसी हरकतें करने वाले को और क्या समझते हैं? डैड, गलत काम है ना कुछ? इसे कुछ भी दिखाई देता है, सुनाई देता है, कुछ भी बोलता है। कभी किसी नॉर्मल इंसान को ऐसे देखा है? तो आप सबको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं। ओके, वॉच दिस। रिलैक्स। अच्छा तुम ऐसा करो, सांस अंदर लो और बाहर छोड़ो। सांस अंदर लो और सांस छोड़ो। सांस अंदर, सांस बाहर। करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। सॉरी सॉरी, आराम से करूंगी। वैसे जितना बुरा मैंने तुम्हें समझा था, तुम उतने बुरे हो नहीं। अच्छा लगा, जैसे तुमने मुझे रोका जाने से, हमेशा ऐसे ही रहा करो। ऐसे खड़ूस क्रश खन्ना बनने की क्या जरूरत है? लेकिन चोटें लगा ली हैं तुमने। याद आया शिव। हाँ? नो, नो, नो। क्या? नो, क्या हुआ? नो, 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 नो। क्या हुआ क्रिश? Is everything okay? तुम ठीक हो ना क्रिश? तुम ठीक? बैठो। क्या हुआ तुम्हें क्रिश? तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो।
सिचुएशन तो बहुत ही सीरियस होती जा रही है. शूटिंग रुक गई, बेसमेंट मिल गया, केके को चोट लग गई. I'm really worried for him now. बेचारा. क्यों मारा? तो और क्या करूं? मेरी गर्लफ्रेंड पहले मुझसे लड़ती है, फिर मुझे पटाने के लिए डांस करती है, गाना गाती है, और यहाँ पर खड़ोगी केके के बारे में सोचती है. आकाश जस्ट शट अप. इट्स नथिंग लाइक दैट. तुम्हें पता है. I'm just worried about him. इतना सब कुछ हो गया उसके साथ. He'll be fine. Oh my God, how can you talk so casually? वो कैसे बिहेव कर रहा था देखा तुमने? उसने अपने हाथों से वो खिड़की तोड़ दी. आकाश, क्या हुआ आकाश? शिवानी, डोंट लुक बैक. वो यही है. नो! वाह यार, डरपोक गर्लफ्रेंड होने के भी कितने फायदे होते हैं. अरे लंदन में जो सब हुआ था भूल गई? हाँ क्या हुआ था लंदन में? कुछ भी नहीं हुआ था. हाँ कुछ नहीं हुआ तो अब कर ले. अरे सुनो ना यार. अरे लिसन, गो. आई सी यू टुमारो. बाय. और तुम किस अनहोनी की बात कर रहे हो? हाँ अनहोनी तो होकर रहेगी राजन बेदी. उन दोनों ने जन्म ही मिलन के लिए लिया है और वो मिलन तो होके रहेगा इसी घर में. तुम्हारी छत के नीचे, तुम्हारी नाक के नीचे. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.